नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में मैं प्राप्ति आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं इस वक्त की ताज़ा खबरें। भाजपा उम्मीदवार शरणप्पा सलगार ने मल्लिकार्जुन खूबा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बीजापुर में सादे अंदाज में मनाई गई होली। एक दूसरे को रंग लगाने के बजाय रंगीन मुखौटे पहने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने कही यह बात। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के टिकट के मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खूबा नाराज चल रहे हैं। वहीं भाजपा के उम्मीदवार शरणप्पा सलगार ने खूबा से मिलकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। बसवा कल्याण उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा के बाद मल्लिकार्जुन खूबा के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन खूबा को टिकट न दिए जाने से नाराज सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर भाजपा को समर्थन न देने के लिए सामूहिक शपथ ली थी कि इस बार भाजपा को वो वोट नहीं देंगे। आज बीजापुर शहर में होली सादे अंदाज में मनाई गई। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों ने होली का त्योहार सादे अंदाज में मनाया है। होली के रंगों में डूबे बच्चे, बीती रात दहन किया गया, लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। अब केपी न्यूज में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दुनिया दिल की मिटे हर कहीं अनुराग हो, ना दोष हो ना राग हो, ऐसा यहाँ पर फाग हो। जली है होली भुलाई के रूप में, बचे है प्रहलाद सच्चाई के रूप में। खुश रहे आप दुनिया में, हमेशा यही कामना करते हैं होलिका दहन के रूप में। मथुरा का प्यार, गोकुल का दुलार, वृंदावन का सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो सबको होली का त्योहार। केपी परिवार की ओर से केपी न्यूज 24/7 के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों में भूल न जाना, कोरोना के नियमों का पालन करना। हैप्पी होली। केपी परिवार की तरफ से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए, और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए, और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए, देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24x7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है केपी न्यूज 24x7 में। आइए देखते हैं आगे के मुख्य समाचार।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने देश के लोगों से एक दूसरे को रंग लगाने के बजाय रंगीन मुखौटे पहनने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में बीमारी के प्रसार को अनदेखा न करें। बता दें कि कोई भी त्योहार उत्सव कोरोना का पर्व नहीं है, इसलिए होली का त्योहार घर पर सुरक्षित रूप से मनाएं, रंगीन मास्क पहने, सामाजिक अंतर को भी ना भूलें। आज रक्तदान शिविर में लगभग 85 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। यह शिविर भगत सिंह युवा ब्रिगेड द्वारा आयोजित किया गया था। ब्रिगेड के अध्यक्ष जसप्रीत सिंह मोंटी ने बताया कि वह हर वर्ष रक्तदान शिविर 28 सितंबर को आयोजित करते हैं, लेकिन इस बार जिला रक्त बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए यह शिविर आयोजित किया गया था। कोविड के अंदर जो एवरी ईयर हम ब्लड कैंप करते हैं, वो क्या है, पोस्टपोन किया गया था। 28 सितंबर को भगत सिंह शहीद दिवस पे मनाया जाता था। अभी क्या है, उसको पोस्टपोन किया है, जो उसकी वजह से ब्लड बैंक में अभी इसका लो जो ब्लड्स है, यूनिट्स जो है अभी कम होने की वजह से हम क्या करें, अभी डिसाइड करें कि भगत सिंह सुधर राजगुरु का जो शहीद दिवस था उनका क्या है, 100 यूनिट्स का ये करे थे अपन, जो क्योंकि रेगुलर इसको चलने के लिए, उसके लिए क्या है, अभी आज सुबह से लेके अभी 4 o'clock हो रहा है, अभी अभी 80 to 85 तक यूनिट्स हुए हैं। अभी फॉर्म में तो देखते हैं कितने यूनिट्स होते हैं, सो चलेगा अभी रनिंग में चलेगा कि अभी गरीब के लिए ये गरीब को यूज़ होगा ब्लड है। नहीं, आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा उम्मीदवार शरणप्पा सलगार ने मल्लिकार्जुन खूबा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बीजापुर में सादे अंदाज में मनाई गई होली। एक दूसरे को रंग लगाने के बजाय रंगीन मुखौटे पहने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कही यह बात। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के मुख्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।